नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन न्यूज में। और इस वीडियो में हम देखेंगे बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है सीधे हमारे इलाहाबाद हाई कोर्ट से, यूपी टीईटी 2018 से रिलेटेड। और ये लाइव अपडेट है इलाहाबाद हाई कोर्ट से, और पूरी कोर्ट की सुनवाई का हम पूरा का पूरा सार यहाँ पे कवर करने की कोशिश करेंगे, जानेंगे किसको मिला यहाँ पे कॉमन नंबर। इस पूरी वीडियो को आप एंड तक देखते रहिए, क्योंकि हम बिल्कुल सटीक और सही खबर लेके आए दोस्तों आप लोगों के लिए। तो वीडियो को चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं दोस्तों कि अगर आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में आपके लिए पल पल की न्यूज़ लेके आता रहूंगा। क्योंकि मैं इलाहाबाद में हाई कोर्ट में ही हमारी टीम पूरी गई हुई है, और वो पूरा का पूरा एनालिसिस करके हमें पल पल की जानकारी दे रही है। तो इसलिए मैं आप लोगों से पूरा गुजारिश करूंगा कि आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और मैं आज आपको बता दूं कि आज हमारा केस था यहाँ पे 18 तारीख को, और 18 तारीख को यहाँ पे सिंगल बेंच में हमारा केस था। तो आज हमारा नंबर आया तब यहाँ पे पीएनपी को कड़ी फटकार लगी है। जी हाँ दोस्तों, पीएनपी को कड़ी फटकार लगी है। उससे पहले हम जान लेते हैं कि कहाँ कहाँ क्या क्या हुआ, पूरी सुनवाई में मैं आपको पूरा बताऊँगा दोस्तों। तो यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, उर्दू के कैंडिडेट के लिए जिन्होंने उर्दू ली थी। जी हाँ दोस्तों, जिनका यूपी टीईटी में उर्दू सब्जेक्ट था, वहाँ पर 2 या 3 प्रश्नों पर वहाँ पर विवाद था। तो वहाँ पर अदालत ने पूरा कंफर्म कह दिया है कि एक नंबर कॉमन सभी को मिलेगा, एक नंबर कॉमन। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही बड़ी खबर है ये कि एक नंबर कॉमन सभी विद्यार्थियों को मिलेगा। तो ये खबर हमारी पक्की हो गई है कि उर्दू वालों को एक नंबर पक्का मिलने वाला है दोस्तों। और दोस्तों वहाँ पे सुनवाई हुई तो वहाँ पे कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि अब क्या कहता है, पूरे साक्ष्य आप जुटा के लाइए पीएनपी से। लेकिन दोस्तों मैं इससे पहले आपको बता दूं कि यहाँ पे आज हमारी सुनवाई हुई तो पीएनपी के विशेषज्ञों से जवाब ढूंढे से नहीं मिल रहा था दोस्तों। तो अदालत ने उनसे कहा कि आप जाइए पीएनपी जाइए और वहाँ से पूरे साक्ष्य जुटा के लेके आइए। तो फिर पीएनपी के अधिकारी वहाँ पे गए हुए हैं दोस्तों। तो और इसी बीच हमें एक ये भी बहुत बड़ी खबर मिल रही है कि कल सुनवाई होगी। जी हाँ दोस्तों, कि अब जो बाकी की सुनवाई है वो कल होगी। सिर्फ आज इतना ही हुआ कि आज उर्दू वालों को एक एक नंबर कॉमन मिल गया, और जो बाकी की सुनवाई है अभी अभी हमें खबर मिल रही है कि वो कल सुनवाई होगी। जी हाँ दोस्तों, कल 10 बजे से इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। आज सुनवाई होना काफी मुश्किल लग रहा था, लेकिन उसके बाद भी आज हमारी सुनवाई हो गई। तो ये बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि 171 के बाद हमारा नंबर आने वाला था। तो आज सुनवाई हो गई, तो ये बहुत ही बड़ी खबर आ रही है कि अब 10 बजे से कल को सुनवाई होगी। तो हम कल भी आपके लिए पल पल की लाइव अपडेट लाते रहेंगे दोस्तों। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, आज जब डिस्कशन हो रहा था तो अदालत ने साफ साफ कह दिया, या तो जिन जिन में दो दो विकल्प कॉमन है, जिनमें दो दो के आंसर ठीक हैं, तो या तो आप उस पूरे को डिलीट करिए क्वेश्चन को, उस क्वेश्चन को डिलीट करिए, या फिर आप सब लोगों को एक एक नंबर दीजिए। जी हाँ दोस्तों, ये भी बहुत बड़ी खबर है कि अब दो दो का भी पूरा फाइनल होने वाला है, कि जिन प्रश्नों के दो दो उत्तर हैं वहाँ पे भी अब कुछ ना कुछ होने वाला है। या तो वो क्वेश्चन ही डिलीट हो जाएगा, और या फिर उसके नंबर सबको कॉमन मिलेंगे। तो बहुत ही बड़ी खुशखबरी दोस्तों उन बच्चों के लिए जो बच्चे एक या दो नंबर से फेल हो रहे थे, और उर्दू वालों के लिए तो है ही ये काफ़ी खुशखबरी कि उन्हें एक या एक नंबर तो मिल ही रहा है। और ऊपर से उन बच्चों के लिए भी जो क्या जहाँ पे हमारे दो दो क्वेश्चनों के विकल्प हमारे ठीक हो रहे थे, तो उनमें भी सभी लोगों को चांस हैं कि आराम से उन्हें भी नंबर मिल जाएगा या फिर क्वेश्चन डिलीट होगा दोस्तों। तो अब कल 10 बजे से सुनवाई है, तो देखते हैं कि कल क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। और अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे शेयर करिए, और मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं पल पल की हमारी टीम इलाहाबाद और लखनऊ जगह दोनों जगह है, वो आपको पल पल की अपडेट लाती रहेगी। और जो भी खुशखबरी वहाँ पर मिलेगी वो हमारा चैनल आपको सबसे पहले लाके देता रहेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।